साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। बाबर आजम ने क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम ने विराट कोहली, क्विंटन डीकॉक और डेविड वार्नर को भी पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने आखिरकार कौन सा बड़ा एजाज अपने नाम किया है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैंड स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 13 वनडे सेंचुरियाँ स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपको बताते चलें कि बाबर आजम ने विराट कोहली समेत बड़े बड़े बैट्समैनों को पीछे छोड़ दिया है। आपको बताते चलें कि बाबर आजम ने ये एजाज 76 इनिंग्स में अपने नाम किया है। लेकिन बाबर आजम से पहले 13 सेंचुरियां का रिकॉर्ड अफ्रीका के हाशिम आमला के पास है, जिसने ये एजाज 83 इनिंग्स में मुकम्मल किया था। और उसके बाद ये एजाज अफ्रीका क्विंटन डीकॉक और इंडिया के विराट कोहली के पास था, जिन्हें 13 सेंचुरियां 86 इनिंग्स में मुकम्मल की थीं। लेकिन बाबर आजम ने इन तमाम तर बैट्समैनों को पीछे छोड़ दिया है और बाबर आजम ने 13 वनडे सेंचुरियां सिर्फ 76 इनिंग्स में मुकम्मल की हैं, जो कि बाबर आजम के साथ साथ पाकिस्तानी शायकीन के लिए भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। दोस्तों, आपको बाबर आजम का ये एजाज़ कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बाबर आजम के बारे में कोई अच्छा सा जुमला ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।